जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 8:34 हो गई है, 8:34 PM रात की 8:34 हो गई है, 8:34 PM नाइट, एंड टुडे इट्स 18 जून 2020। अब आज 18 जून 2020 है, रात की 8:35 हो चुकी है। अब और अभी हम वीडियो बना रहे हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है, उसकी कुछ संभावनाएं तलाश करते हैं चार्ट्स के थ्रू। और टू बी वेरी फ्रैंक, लेट मी फर्स्ट टेल यू ऑल माय व्यूज ऑन दिस चैनल आर जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पस, एंड यू कैन क्लियरली रीड माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ एवरी वीडियो वेयर इट इज़ क्लियरली माय डिस्क्लेमर इज देयर, ऑलवेज देयर। सो इन माय डिस्क्लेमर इट इज़ क्लियरली मेंशनड, because it is clearly mentioned that all these views which I give on this channel are just for educational purpose, and if anyone takes any kind of trades on these views, then I and my channel won't be responsible for any kind of losses if incurred. Plus I request you all to consult your financial advisor always before taking any kind of trading actions on my views. तो ये हिंदी में भी समझाता हूँ कि अगर मैं जो यहाँ पे व्यू देता हूँ वो सारे एजुकेशनल पर्पस से होते हैं, तो अगर आप कोई भी ट्रेड लेते हो मेरे व्यूज़ को देखते हुए, तो उसके अकेले आप ही जिम्मेदार होगे, आपका लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका, मैं और मेरा चैनल कभी भी उसके जिम्मेदार नहीं रहेंगे। अगर आपको लॉस होता है तो भी आपका प्रॉफिट। और इसके अलावा मैं हर वीडियो में जो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स रहता है उसमें मेरा डिस्क्लेमर रहता ही है, तो उस डिस्क्लेमर को हमेशा पढ़ लिया करिए। और बस यही है, तो अब स्टार्ट करता हूँ मैं अपना व्यू। सबसे पहले मैं निफ्टी का डेली चार्ट खोलता हूँ, तो बहुत स्ट्रॉन्ग एक कैंडल आज बना के निफ्टी ने बंद किया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है। स्ट्रॉन्ग कैंडल इज रियली स्ट्रॉन्ग एंड इट केम आफ्टर ए डोजी मीन्स दिस इट नाउ फॉर मार्केट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो बिलो 9833। अब मार्केट के लिए 9833 के नीचे जाना लगभग इम्पॉसिबल है। मैं क्या वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लगभग इम्पॉसिबल है 9833 के नीचे जाना। यार मैं ऐसे ऐसे वर्ड हमेशा बिना सोचे समझे यूज़ कर लेता हूँ, क्या यार ये पीजे है क्या यार, ये कुछ भी बोल देता है कि लगभग इम्पॉसिबल है, ऐसा क्या हो गया भाई आज 9833 के नीचे जाना लगभग इम्पॉसिबल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। सेंटेंस अब कंप्लीट हुआ। लेकिन जो फिलहाल अभी जो बन रहे हैं माहौल और जो चार्ट्स दिखा रहे हैं उसके हिसाब से इट इज़ लुकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बट इम्पॉसिबल इज़ द वर्ड फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स, एंड मार्केट में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल होती नहीं है। जैसा कि मार्केट अभी यहाँ से 12,500 भी चले जाए तो वो इम्पॉसिबल नहीं है। तो चलिए आज मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ फ्री में, मतलब इस ट्रेनिंग का मैं कोई पैसा नहीं ले रहा हूँ आपसे। बहुत कुछ सिखाया आपने आपको, मैंने कल भी सिखाया कि इनवर्स हेड एंड शोल्डर कैसे मैंने साइट आउट किया, उसको कैसे मैंने फ्लैग पैटर्न निकाला। तो आज तो फ्लैग पैटर्न में ब्रेकआउट भी आ गया, मैंने 3:30 वाले वीडियो में भी आपको बता दिया, तो उसको रिपीट नहीं करता हूँ। आज मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ सिखाता हूँ जो आपके हमेशा काम आएगी लाइफ में, कैसे जानते कि मार्केट तेज़ी के माहौल में घुसने वाला है, कैसे जानते आप। तो देखिए मैंने यहाँ पे 5 EMAs लगा रखी है, आप देख सकते हो 5 EMA है 10, 20, 50, 100, 200। ये हमेशा मैं लगा के रखता हूँ। आप अगर चार्टिंग खोलते हो तो यहाँ मूविंग एवरेज का एक ऑप्शन आता है, यहाँ पे आप क्लिक करो तो आपको ये पांचों मूविंग एवरेज को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको सिंपल की जगह एक्सपोनेंशियल, यहाँ ऑप्शन रहता है सिंपल ऑप्शन एक्सपोनेंशियल वेटेड ट्रायंगुलर। तो ज़्यादातर जो एनालिस्ट होते हैं वो सिंपल और एक्सपोनेंशियल यही दो मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, और जो कोई बहुत ज़्यादा डिटेलिंग स्टडी करता है वो वेटेड और ट्रायंगुलर भी यूज़ करता है।
उतनी दरकार नहीं पड़ती मुझे तो, एक्सपोनेंशियल के अलावा कोई दरकार ही नहीं, मैं तो सिंपल भी नहीं देखता हूँ। तो 10, 20, 50, 100, 200, दीज आर द मेजर EMAs, EMAs मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो आप भी इसको लगा के रखिए हमेशा, और आपको पता चलेगा कि मार्केट आज कौन सी EMA के ऊपर आया। और इसके अलावा अगर इन दो किसी भी दो EMA में आपस में क्रॉसओवर होता है, वो भी एक इम्पोर्टेंट इवेंट होता है। जब भी सपोज 10 वाली ने 20 को काट के ऊपर आ गई, तो क्रॉसओवर हुआ, इसका मतलब 10 वाली ऊपर आ गई, मतलब कहीं ना कहीं एक बुलिश सेंटिमेंट आ गया, समझ में। तो इसलिए जब भी क्रॉसओवर होता है मूविंग एवरेज के बीच में, तो उसको बोलते हैं लीडिंग इंडिकेटर, उसकी कैटेगरी आती है लीडिंग। और जब सिर्फ आप मूविंग एवरेज देखते हो, उसको लैगिंग इंडिकेटर बोलते हैं। चलिए ये सब तो मैं अपनी क्लास में समझाऊंगा, बाकी आपको एक हिंट दे दिया मैंने। अब देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, 10 EMA कितनी आ रही है निफ्टी की, 9934, मुझे लगता है आपको दिखाई दे रहा है 9934। 20 EMA आ रही है 9796, इन दोनों के ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है। 50 आ रही है 9684, इन तीनों के ऊपर मार्केट बंद हुआ है। और 100 वाली आ रही है 10031, इसके भी ऊपर आज मार्केट बंद हुआ है। अब बची क्या, खाली 200 EMA खाली क्या बची, जिसकी जिसकी वैल्यू आ रही है आज की डेट में। ये मूविंग एवरेजेस है, तो ये हर दिन चेंज होती है, हर नए दिन की कैंडल आएगी तो इसकी वैल्यू चेंज होती है रोज, इसलिए इनको मूविंग कहा जाता है। मूविंग ये स्टेगनेंट नहीं है, फिक्स नहीं है, ठीक है। कोई लोग बोलते 10 दिन की, कल तो सर 9900 थी, आज 9920 कैसे हो गई। तो भैया कल आप देख रहे थे, कल से लेके पिछले 10 दिन के, अब कल आप देखोगे मतलब टुमारो आप देखोगे, तो कल वाला दिन भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा, उसके उसके साथ वाले 10 दिन। तो इस तरह से वो मूविंग बन जाती है, तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। अब आज ये खाली एक 10535 जो है 200 EMA है, सिर्फ मार्केट उसके नीचे बैठा हुआ है, ठीक है। ये आपको पता चल गया, क्योंकि आज की क्लोजिंग जो आई है, इट हैज़ कम 10,091, जो कि 10 वाली से भी ऊपर है, 20 वाली से भी ऊपर है, 50 वाली से भी ऊपर है, और 100 वाली से भी ऊपर है। अब सिर्फ रह गया 10535, जो कि 200 वाली की वैल्यू है। अब आज मैं इतनी बातें क्यों किया हूँ, अब आपको मैं दिखाता हूँ। जब मार्केट में मंदी आ रही थी, आप ध्यान दीजिए, तो इन सब का जो झुकाव था, ऐसे लग रहा था कि कोई पहाड़ से झरना नहीं बहता है। पहाड़ से जब झरना बहता है, आपने देखा होगा, एक धार से ऐसे नीचे आता है। तो आप इन मूविंग एवरेज का जो डायरेक्शन आप देखिए, एकदम नीचे की तरफ था पूरा, इन पांचों लाइन का, जो पांच लाइन मैंने अभी आपको डिस्कस की, ये पांचों लाइन, इनका कलर यहाँ पे आपको दिखता है। सपोज इस कलर की जो है वो 200 वाली है, तो आपको ये पता चल गया कि इस रेड कलर वाली 200 वाली है। सब में कलर यहाँ दिया हुआ रहेगा, ये जो पर्पल कलर है वो 10 वाली है, तो आपको पता चल गया ये लाइन जो है, दिस लाइन इज 10 EMA। आप समझ में आ गया होगा। अब देखो सबका मुंह ऐसे था नीचे की तरफ, लेकिन आप देखो पिछले कुछ दिनों से जब मार्केट घूमा, तो देखिए ये कर्व, इनके कर्व पे ध्यान दीजिएगा, इनका जो कर्व था वो पूरा डाउन साइड डायरेक्शन में था। अब देखिए इनका कर्व काफ़ी घूम गया, अब कर्व ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो 10 वाली का आप देख सकते हो कर्व ऊपर की तरफ चला गया, 20 वाली का भी कर्व ऊपर की तरफ चला गया, इनफैक्ट 50 वाली का भी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, इनफैक्ट 100 वाली का भी कर्व घूम रहा है, और इनफैक्ट अब 200 वाली का भी घूमने को तैयार है, जो कि एक नीचे की तरफ जा रहा था, ठीक है। तो ये अपने आप में एक डायरेक्शन हमको क्या बता रहा है, कि बाजार एक बड़ी तेजी के लिए कन्फर्म तैयार है, 1000% तैयार है, करोड़ परसेंट तैयार है। दोस्तों क्या बोल रहा हूँ मैं, बाजार एक बड़ी तेजी के लिए कन्फर्म तैयार है, 100% तैयार है, 1000% तैयार है, और करोड़ परसेंट तैयार है। ओनली अगर कोई वार या ऐसी कोई बहुत बड़ी बैड न्यूज़ नहीं आ जाए, तो मार्केट को अभी रोकना लगभग नामुमकिन है, जैसे डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे ही अब बाजार की तेजी को रोकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ये वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ। ओनली थिंग इज़ दैट कि डॉन को अगर कोई गोली मार दे पुलिस वाला, तब डॉन चला गया। वैसे ही अभी मार्केट में कोई बड़ी बैड न्यूज़ आ जाए, देन ओनली कैन स्टॉप मार्केट फ्रॉम रीचिंग 11,000 और अबव। ओके, दिस इज़ माई वर्डिक्ट टुडे। सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई वर्डिक्ट दिया नहीं, लेकिन मैं अपना वर्डिक्ट आज दे देता हूँ।
तो मेरा वर्डिक्ट है बाजार में बिल्कुल तेजी है, लेकिन कल क्या है, कल क्या है दोस्तों, कल फ्राइडे, और उसको मैं क्या स्पेल करता हूँ, जो लोग मुझे 10 साल से भी जानते हैं वो जानते हैं मैं तब से भी फ्राइडे को स्पेल क्या करता हूँ, FRY, क्योंकि ये एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बड़े बड़े की सारी जोड़ तोड़ सब फेल हो जाते हैं, मार्केट एक अलग ही चाल चलता है उस दिन, ताकि वो बहुत लोगों को कंफ्यूज भी करना चाहता है, क्योंकि वो अगले वीक की भी जो तैयारी है वो फ्राइडे को कर लेता है मार्केट, मार्केट मतलब ऑपरेटर, मार्केट मतलब ऑपरेटर, क्योंकि हम और सब हम सब क्या है रिटेलर्स, हम सब का जो थोड़ा 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 पैसा है वो मार्क वो जो ऑपरेटर वो एक बार में उसको दबोच लेता है, समझ में आया मार्केट का गेम क्या है, हम सब छोटे छोटे मुर्गे हैं, कोई 25 हज़ार का है, कोई 50 हज़ार का है, कोई 1 लाख का है, कोई 5 लाख का है बस, या कोई 10 लाख का है, हम में से करोड़ रुपए एक दिन में लगाने वाले बहुत कम लोग हैं, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कोई 25 हज़ार एक दिन में लगाता, कोई 50 हज़ार का दाव खेलता है, कोई 1 लाख रुपए का, कोई 5 हज़ार का भी, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो 500 रुपये की हाजिर में भी काफ़ी खुश रहते हैं, तो हम लोग जो छोटे 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 आप बोल सकते हैं बूंदे हैं, बूंदे बूंदों से फिर हम लोग एक घड़ा भरते हैं, और घड़ा हम लोग नदी में डालते हैं, उस नदी में इतना पानी है कि आप सोचो हमारे घड़े का पानी, उनको क्या लगता है कि रोज़ एक घड़ा उठा लो, समझ में, क्योंकि वो सब एक शार्क मछली है, वो क्या है एक शार्क मछली है, और हम लोग क्या है छोटी छोटी जो बंगाली में क्या बोलते हैं चुटकी मांस, बांग्ला से बोला जाए चुटकी मांस, मैं बंगाली ठीक बोल रहा हूँ ना, तो बंगाली लोग चुटकी मांस बहुत पसंद करते हैं चावल के साथ खाने के लिए, तो क्योंकि आई हैव स्टेड इन बंगाल फॉर 2 ईयर्स सो आई नो लिटिल बिट ऑफ बंगाली ऑल्सो, और मैं 2 साल रहा हूँ बंगाल में, 2 या 3 साल रहा हूँ, ज़्यादा रहा हूँ 3 साल, तो आई कैन से कि शार्क ये जो है ये ऑपरेटर शार्क है, और हम लोग है छोटी छोटी मछलियाँ, तो शार्क को जब भूख लगती है तो अपनी इन छोटी छोटी मछलियों को भी खा जाती है, निगल जाती है, खाती नहीं निगल जाती है, तो मार्केट भी अभी जितने भी मंदी कर रहे हैं उन सबको निगलने के लिए तैयार है, उसने अपना अपना जो खांचा है वो तैयार कर लिया था पिछले 3 दिनों से, आप 3 दिन की नौटंकी देख सकते हो मार्केट की, बार बार 10 हज़ार गया 3 दिन की, पिछले 3 दिन की, आज की छोड़ दो, मैंने आपको कल यही समझाया था, 3 दिन बाजार ने क्या किया आपको बता रहा हूँ, मंडे को ऊपर गया 9943, फिर नीचे अपनी औकात दिखा दिया 9726 का लो मार दिया, ये मंडे की कहानी है, मतलब जिसने ऊपर शॉर्ट किया उसको आराम से पैसा मिला मंडे को, फिर ट्यूसडे को क्या हुआ 10046 का हाई बनाया, वहाँ पे जिसने शॉर्ट किया वापस 9728 का लो बनाया, मतलब उस दिन भी अगर किसी ने शॉर्ट किया तो 300 पॉइंट बाजार गिरा मंगलवार को हाई से, ठीक है, बुधवार को क्या हुआ 10003 का हाई बनाया, फिर से 9833 का लो बना दिया, मतलब 3 दिन आपको एक प्रैक्टिस में डाल दिया कि भैया 10 हज़ार के ऊपर या आसपास आता है तो ठोक दे बिल्कुल पैसा बनेगा, यही मैंने कल आपको कहानी समझाई, जब भी आपको दाना डाल मुर्गी को जब दाना डाला जाता है तो ये ऑपरेटर क्या करते हैं कि एक बार अपना 10-20 करोड़ का नुकसान करते हैं 2-3 दिन, ताकि आपको जाल में फंसाया जा सके, तो लगता कि अब मुर्गे सब फंसने रेडी है, तो आज चौथा दिन था तो मैंने आपको क्लियर कट सुबह कल ही बता दिया, शाम को भी बता दिया, और आज चाय की चर्चा पे भी कि भैया आज क्या होगा, आज तुमको दाना डालेगा लेकिन आज वो तुमको ही खींच के ले जाएगा, तो आज क्या किया मार्केट ने सुबह एक दाना डाला 9845 का लो बनाया, और वहाँ से ऐसा खींचा कि 10111 तक ले गया, यानी कि 250 पॉइंट से ज़्यादा खींच गया, 260 पॉइंट्स लो से ऊपर गया 260 पॉइंट्स, तो कईयों की सांस फुला दी, अब क्या एक ही दिन में सबको ग्रास्प कर लेगा, इनका गेम छोटा नहीं है बॉस, अगर आपको 20 करोड़ रुपया इन्होंने बांटा है तो आपसे 2000 करोड़ रुपया निकालेंगे, कितना निकालेंगे, क्योंकि आपको 3 दिन पैसा दिया छोटा 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 3 दिन, ताकि आप मंदी में विश्वास करने लग जाओ कि 10 हज़ार जाता है उधर शॉर्ट कर दूँ मैं, ठीक है, तो उस विश्वास में आपको ले लिया, आज आपको एक झटका दिया लेकिन कल आपको रिलीफ देगा, रिलीफ टुमोरो, ताकि आपका विश्वास फिर से जग जाए, हाँ यार कल एक एक्सपायरी थी इसीलिए मार्केट ने ऐसा मूव दिया, भाई मार्केट में दम नहीं है, 10 हज़ार को नहीं टिक पाता, तो कल ये 10 हज़ार के ऊपर नहीं क्लोज करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना है, अगर किया तो भी मैं तेज़ी में तो हूँ ही, मैं आपको बोल दिया,
मगर कल ये अगर क्लोजिंग करें 9,980 या 9,990, दैट मीन्स बिलो 10,000 लेकिन अबोव 9,970। हमको कल क्लोज क्या चाहिए? अबोव 9,970 एंड बिलो 10,000। तब पूरी की पूरी तरह से ये बियर्स ट्रैप में आ जाएंगे, किसके? उस ऑपरेटर के। मैं इस समय जो सोच लगा रहा हूँ एज ए ऑपरेटर लगा रहा हूँ, एज ए प्लेयर नहीं लगा रहा हूँ। प्लस मेरे टेक्निकल्स भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि बाजार में तेजी, जो मैंने आपको अभी समझाया। आप देखो इनके कर्व्स, आज मैं आपको ऐसी चीजें सिखा रहा हूँ जो कोई बंदा आज तक किसी ने यूट्यूब में बोलने की भी हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसको आता ही नहीं। तो आज ये आपको अगर मेरी बात राइट नहीं निकलती है, अगर कोई बड़ी बैड न्यूज नहीं आती है, तो मेरा खुला दावा है विद इन 1 जुलाई 31 आप 11,000 के ऊपर देखोगे निफ्टी को। मैं 10,500 की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10,500, आई एम टॉकिंग अबाउट अबव 11,000 विद इन जुलाई 31। इफ देर इज नो सिग्निफिकेंट बैड न्यूज, बैड न्यूज मतलब कि कोई वार हो गया, या अगर ये छोटे मोटे कोरोना वाला केसेस और बढ़े तो भी मार्केट रुकने वाला नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ जो कर्व जो घुमाया है इसने कर्व, आप इससे क्लियर कट मुझे पता चल रहा है कि मार्केट कैसा होने वाला। और अगर मेरी बातों में दम लगता है आपको, तो आज इतने लाइक दबाना दोस्तों, जितने लाइक से मेरा दिल एकदम भर आए कि यार मेरी जनता मुझे इतना प्यार करती है यार। और प्रमोद जैन, तू ये मेहनत को दुगुना तिगुना चौगुना कर दे, ताकि हर घर में पैसा बरसे, जो तेरा चैनल देखे उसके घर में 2 पैसा आए और वो तुझे पेटीएम कर दे यार। भैया एक एक रिक्वेस्ट है, जो पेटीएम करते 11 रुपया मत करो यार, मैं हाथ जोड़ता हूँ, आप 11 रुपया मेरी तरफ से मंदिर में चढ़ा दो, क्योंकि 11 की जो एंट्री आती मुझे नहीं चाहिए भाई, है ना। 51 और 11 मत करना, 101 से नीचे कोई भी पेटीएम मत करना। और अगर जो कर जो चाहता उसकी श्रद्धा है तो क्या करना, और सिर्फ जो कमाता वही करना है ना। तो 11 और 51 मत करना, उसको आप मेरी तरफ से मंदिर में या किसी मंदिर के बाहर किसी छोटी बच्ची को मिठाई खिला देना, जो मंदिर के बाहर भीख मांगते हैं उनमें बच्चों को आप मिठाई खिला देना, इट्स अ रिक्वेस्ट। मैं समझूंगा मुझे मिल गया। और आप 101 भी करते हो ना, तो उसकी भी मिठाई खिला दो उनको, या उनको कुछ खाना वाना खिला देना, ये समझ लेना प्रमोद जैन को मिल गया, बस इतना समझ लेना, मुझे मत भेजो, इट्स अ रिक्वेस्ट, ठीक है। क्योंकि शास्त्रों ने क्या बोला है, जो गुरु आपको किसी का भी ज्ञान फ्री में नहीं लेना चाहिए, ये मेरे पिता मुझे सिखाए थे। और मैं आज आपको बोलता हूँ, जो भी आपको अगर अपनी श्रद्धा से कमा के दे रहा है, अगर आपके कमाई हो रही है, तो 10% का शास्त्रों में नियम है, हिंदू शास्त्रों में तो बाकायदा लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप पता कर लीजिए किसी से, और ये मुस्लिम्स लोग भी काफ़ी मानते हैं। एनीवे इट्स नॉट ए डील, आई एम सेइंग यू ऑल कि आप 100 रुपये से कम का कोई भी पेटीएम करते हो, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप उसको आप समझ लेना, वो सर को मिल गए, आप किसी भी गरीब को खिला देना, आपको डबल दुआ मिलेगी, एक तो आपने खिलाया वो भगवान की नज़र में जाएगा, दूसरा मुझे दुआ मिल जाएगी कि मैं इसका क्या बना, एक मैं इसका कड़ी बना, इसकी एक कड़ी बना कि आप वहाँ इसके कारण से आप 100 रुपये की मिठाई या बच्चों को कुछ भी खिलाए, पूड़ी पूड़ी सब्जी वगैरह कुछ भी खिला दीजिएगा, जब भी आपको फ़ायदा होता, ठीक है। और कोई अगर चाहता कि मुझे नहीं भेजना है, तो वो भी ऐसा कर सकता है, चाहे आप 1,000 भेजना चाहते थे तो भी आप वहाँ खिला दीजिए, समझ लीजिए मुझे मिल गया, ठीक है। तो ये मार्केट कल मुझे ऐसा लगता है जो मैंने आपको बता दिया। और ये कर्व आपको, अब ये कर्व हम लोग बैंक निफ्टी में भी ढूंढने की कोशिश करते हैं डेली चार्ट पे। तो बैंक निफ्टी भी आप देखो, इसने भी आज जो क्लोजिंग दी है वो कितने, कहीं ना कहीं निफ्टी से एक पायदान नीचे है, एक पायदान क्यों नीचे है, निफ्टी ने अपनी 100 तक की सारी मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी, लेकिन बैंक निफ्टी अभी 100 मूविंग एवरेज से नीचे है 100 डे वाले। चलिए चेक कर लेते हैं, EMA 20,434 है, 10 वाली 20 वाली 20,144, 50 वाली 20,580, 100 वाली 22,646, 200 वाली 25,000। यहाँ तो जाना ही है बैंक निफ्टी को, ये तो कोई रोक नहीं सकता जैसा मैंने अभी दावा किया, लेकिन 22,000 वाली से भी अभी नीचे है, यानी कि ये सिर्फ 10, 20, 50 के ऊपर है। और आप देखो 10, 20, 50 का कर्व कैसा घुमा दिया बैंक निफ्टी ने, जिस बैंक निफ्टी को पूरी इंडिया वीक बोल रही थी, वो देखिए 10 वाली कर्व को भी ऊपर ले गया,
20 वाली को भी ले गया और 50 वाली भी लगभग घुमाने को तैयार हो गया, लगभग घूम रही है, आप चेक कर सकते हो इनका कर्व को देखो। और अब तो 100 वाली भी घूमने को तैयार है और 200 वाली भी, यानी कहीं ना कहीं बहुत जल्दी बैंक निफ्टी आपको 22,500 के तो ऊपर बहुत जल्दी जाने वाली है। हो सकता है नेक्स्ट वीक में आप 22,500 के ऊपर देख लो, नेक्स्ट वीक में 23,000 का भी स्तर शायद नेक्स्ट वीक में देख लोगे। कल की बात नहीं कर रहा हूँ, कल तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको करना भी ऐसा ही चाहिए। कल कल अगर बैंक निफ्टी आज 20,956 पे क्लोज हुई है, तो कल अगर बैंक निफ्टी किसी भी कारण से 20,500 के ऊपर क्लोज कर देता है, 20,600 के ऊपर, क्योंकि 20,580 आ रहा है आपका इसका ये 50 EM है, तो 20,580 या 20,650 या 20,700, और अगर और ज़बरदस्त क्लोजिंग में तब मानूंगा जब ये फ्राइडे का, जो पिछले फ्राइडे का हाई था 20,747, उसके ऊपर कल क्लोज कर दे, भले ऊपर नीचे करे दिन के दौरान, लेकिन क्लोजिंग अगर 20,747 के ऊपर कर दे तब तो समझ लीजिए नेक्स्ट वीक में आपको 2 या 3 दिन में ही आपको ये 100 EMA को छू देगा, 2 या 3 दिन में। मैं बुधवार तक का ही टाइम लेता हूँ, उसके बाद मैं गुरुवार तक का भी नहीं लेता हूँ 22,600 को छूने का, ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस से मैं आज क्यों बोल रहा हूँ, तो कल आपको करना क्या, कल चुपचाप बैठना है। क्या करना, अगर आप मुझे अपना गुरु मानते हो या अपना एक एक ये मानते हो कि आपको सलाह सही दे रहा है, तो कल के दिन एकदम बिंदास बैठिए, कोई ट्रेड मत मारिए, आखिरी के आधे घंटे में चेक चेक करिए कि निफ्टी बैंक निफ्टी कहाँ क्लोज हो रहा है। कल की पॉलिसी है सिट टाइटली, वॉच द मार्केट, और अगर कोई ट्रेड भी लेते हो तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डाल के लीजिएगा, ताकि आपको कोई झटका नहीं लगे, क्योंकि आज आपने डेफिनेटली पैसा कमाया है। तो कल आपको शांति रखना, और लास्ट में देखना है कि जो मैंने लेवल दिए 9,970 के ऊपर निफ्टी अगर क्लोज कर रहा है और बैंक निफ्टी 20,600 के ऊपर क्लोज कर रहा है लास्ट में कल, तो आप करना क्या आपको वो भी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। आप आराम से 22,000 का 25 तारीख की एक्सपायरी का कॉल ले लीजिएगा, किसका, बैंक निफ्टी का 22,000 वाला, मैं 21 का नहीं बोल रहा हूँ, 22,000 का ले लीजिएगा, ठीक है। और निफ्टी में आप 10,300 का कॉल ले लीजिएगा, मैं तो 25 तारीख भी नहीं बोलूँगा, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का ले लीजिएगा, इतना रिक्वेस्ट है, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई का, ठीक है। तो मुझे लगता है मैंने आज सब कुछ क्लियरली समझा दिया। एक बार हम वीकली चार्ट पर भी नज़र डाल देते हैं, क्योंकि कल वीकली क्लोजिंग भी आएगी, ठीक है। तो एक बार बैंक निफ्टी का वीकली देख लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। बैंक निफ्टी का वीकली स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं पिछले वीक की जो क्लोजिंग थी वो 20,654 थी, तो कल कहीं ना कहीं अगर बैंक निफ्टी 20,700 के ऊपर क्लोज कर दे तो बहुत बड़ी जीत होगी बुल्स की, बहुत बड़ी जीत वीकली के हिसाब से, ठीक है। और निफ्टी का देख लेते हैं हम लोग वीकली, निफ्टी में भी, निफ्टी तो ऑलरेडी पिछले वीक से ऊपर ही चल रहा है, पिछले वीक की क्लोजिंग से, पिछले वीक की क्लोजिंग थी 9,972, तो मैंने आपको क्या बोला, 9,975 के ऊपर आज कल क्लोज करना चाहिए, वो बहुत बड़ी जीत हो जाएगी, ऐसा मैंने आज के 3:30 वाले में एक फ़ोटो में डाल दिया था लिख के, है ना। जो बुल्स ने सवाल पूछा, बुल ने BSE का बुल के फ़ोटो डाला था, उसमें पूछा था, तो मैंने उसको जवाब दिया कि 9,975 के ऊपर कल अगर क्लोजिंग आ गई तो तू आ गया बेटा, जो BSE में बुल का स्टेचू है वो आ जाएगा बाजार में। तो अब रही ट्रेनिंग की बात, एक बार रिपीट कर देता हूँ, 27 और 28 सैटरडे संडे को नेक्स्ट ट्रेनिंग है, और सीट्स की बुकिंग ओनली टिल सैटरडे 2 बजे तक, टिल सैटरडे 2 बजे तक, यानी परसों 2 बजे तक, उसके बाद कोई भी हो उसको बुक नहीं किया जाएगा। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं, आप सबको पता है मैं सबको ना करता हूँ। अभी भी बहुत सारे व्हाट्सएप आए हुए हैं कुछ, मतलब इस ट्रेनिंग का डिटेल्स मांगने के लिए, तो मैं वो भी, मुझे समय मिलता तभी जवाब देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि वो आ गया तो पागल की तरफ फटाफट जवाब दे दिया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि भैया मेरा एक ही, इस चैनल का उद्देश्य एक ही है बॉस, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हु वॉचिज दिस चैनल वो अपना एक भ्रम निकाल दे कि इस मार्केट से पैसा नहीं कमा सकते। और प्लस अगर आप साथ में ट्रेनिंग ले लो, तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जो पहले भी मुझसे ट्रेनिंग ले चुके हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, एक बार और लेके देख लो भाई,
तुम्हारा अगर नजरिया नहीं बदला तो भगवान कसम जिंदगी भर तुम मुझे मेरे मुंह पे रोज थूकना, अपने घर पे ही थूकना लेकिन मेरा नाम लेकर रोज थूकना, ठीक है? तो जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।